छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में रद्द ट्रेनों की बहाली के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। आइए जानते हैं कि चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर किस मुद्दे को उठाया है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे खत के बारे में। दरअसल छत्तीसगढ़ में कई ट्रेन की अनियमित आवाजाही, ट्रेन को कभी भी निरस्त किए जाने और पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिए जाने जैसी दिक्कतों से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे अपने पत्र में लिखा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली अनेक लंबी ट्रेन को विगत लंबी अवधि से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि शेष ट्रेन के भी अत्यधिक देरी से चलने के कारण राज्य के लाखों ट्रेन यात्रियों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार से अनेक बार अनुरोध करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य की जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए रेलवे मंत्रालय को आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाए, जिससे कि जनता से व्यापक असंतोष एवं आंदोलन को समाप्त किया जा सके। आइए अब जानते हैं कि सीएम भूपेश ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र में क्या लिखा। बता दें कि रायपुर जगदलपुर हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने और बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बंद किए गए बिलासपुर इंदौर बिलासपुर और बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा पुनः आरंभ किए जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जगदलपुर विमान सेवा के चलते बस्तर को देश के पर्यटन नक्शे में आने का मौका मिला है और बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय पटल पर उभरी है। बिलासपुर से भी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं आरंभ किए जाने की जरूरत है। पत्र में सीएम ने लिखा कि देश में आम आदमी को सस्ती हवाई सेवा का लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रीजनल कनेक्टिविटी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जगदलपुर व बिलासपुर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा शुरू होने से राज्य की जनता को सस्ती घरेलू विमान सुविधा उपलब्ध हुई है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि बिलासपुर एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पहले भी पत्राचार किया गया है। चुनावी साल में ऐसे पत्रों की राजनीति हमें आगे भी दिखने को मिल सकती है। इन सब के बीच जरूरी बात यह है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर काम हो और वो चुनावी राजनीति में फंस कर ना रह जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।